हेलो गाइस, मेरा नाम है रवीन। स्वागत है आप सभी लोगों का आर्कम बॉज रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 12 वोल्ट डीसी 1 चैनल 433 मेगाहर्ट्ज वाला आरएफ रिमोट कंट्रोल चलाना बताऊंगा, को इसको कैसे यूज करते हैं ये बताऊंगा। और साथ ही में गाइस, हम इससे एक डीसी मोटर और एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट को भी चलाकर देखेंगे। तो गाइस, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिमोट कंट्रोल मैंने तो HNH कार्ड से लिया है। अच्छा, और आप भी वहाँ से ले सकते हैं, आपको ठीक और कम पैसों में वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही में गाइस, ये आपको Amazon या Flipkart में भी मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको मंगवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलो भाई, तो देखिए गाइज, वैसे तो ये रिमोट कंट्रोल जो है, इसका जो ये रिसीवर है, ये वैसे तो देखिए कुछ इस टाइप की डिब्बी के अंदर पैक होके आता है। ये इसकी सेफ्टी के लिए इस डिब्बी में इसको ऐसे रखा जाता है यहाँ पे, ताकि जहाँ पर भी हम इसे लगाकर इसको यूज़ करें तो ये बिल्कुल सेफ रहे, ये धूल वूल मिट्टी विट्टी से बचा रहे, इसलिए इस डिब्बी का यूज़ किया जाता है। और ये इसका एंटीना है, इस डिब्बी को रख देते हैं साइड में। और देखिए गाइज, अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ। मैंने इसमें पहले से ही ये 6 वायर कनेक्ट कर रखे हैं, आपको भी ऐसे ही कर लेने हैं 6 पॉइंटों के साथ। और इसमें गाइस देखिए, ये एक 12 वोल्ट का रिले दिया गया है, जिससे हम कोई भी इस पर ज़्यादा लोड को चला सकते हैं। इस पर गाइस हम मैक्सिमम 250 वोल्ट तक के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे हम कोई भी एसी करंट से चलने वाला मोटर वगैरह हो उसको भी चला सकते हैं, जैसे एंगल ग्राइंडर वगैरह या ड्रिल मशीन वगैरह, उसको भी हम इस पर चला सकते हैं। और या कोई बल्ब वगैरह चलाना चाहे तो वो भी इससे चला सकते हैं, किसी बल्ब को भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। और ये जो है गाइस, एक 12 वोल्ट डीसी की पावर से ऑपरेट होता है। और इसमें देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्विच दिया गया है, पुश स्विच दिया गया है इसमें। ये गाइस इस रिमोट को रिसीवर के साथ बाइंड करने के लिए दिया गया है, और इसको ऑन करने के लिए जो अभी मैं आपको वीडियो में करके बताऊँगा। और गाइस, जैसे ज़्यादा कुछ इसमें देखने लायक है नहीं। और ये इसका एंटीना है, इससे गाइस इसकी रेंज ज़्यादा हमें मिलती है, जिससे गाइस ये रिमोट जो है ज़्यादा दूर से काम करता है, इसलिए ये एंटीना दिया गया है। चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले मैं क्या करना है कि कोई भी 12 वोल्ट डीसी का पावर सोर्स लेना है, तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है कि इसमें ये दो जो वायर हैं, ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हैं। ये वाला जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अभी सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। और गाइस, मैं आपको वीडियो में इसका सर्किट डायग्राम भी बता दूंगा, तो आप कुछ भी उससे चला सकते हैं, उस सर्किट डायग्राम को देखकर इसके कनेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। सबसे पहले गाइस हम इस वाली 12 वोल्ट की एलईडी लाइट को कंट्रोल करके देखेंगे, इसको चलाकर देखेंगे। इसके लिए गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका जो नेगेटिव है, ये देखिए जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, और इसका रिसीवर का जो नेगेटिव है और इस लाइट का नेगेटिव है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये इस लाइट का नेगेटिव है, और अभी गाइस जो पॉजिटिव वाला वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें जो इस रिसीवर का जो पॉजिटिव है और जो ये तीन वायर है, इनमें से ये जो बीच वाला वायर है, ये वाला, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके इस 12 वोल्ट की सप्लाई के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ कनेक्ट हो चुका है। अभी गाइस हमारा एक कनेक्शन रह चुका है, जो है ये इस लाइट का पॉजिटिव वाला वायर। इसको हम गाइस जो ये वाला वायर है, इस रिले का, ये नहीं, ये वाला, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस लाइट के पॉजिटिव वाले वायर को। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और इस वाले वायर को गाइस हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो अभी गाइस मैं क्या करता हूँ कि पावर सप्लाई को इस पावर एक्सटेंशन बोर्ड में लगा कर स्विच ऑन करता हूँ। ये मैंने इसको लगा दिया, और अभी गाइस इसके अंदर पावर आ चुकी है। अभी गाइस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस रिमोट को इस रिसीवर के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें गाइस इस पर जो ये स्विच दिया गया है, इसको एक बार दबाना है, जिससे इसमें यहाँ पे एक एलईडी दी है रेड कलर की, वो ग्लो होने लगेगी। ये देखिए, ये हो गई है। अभी हमें क्या करना है, इस रिमोट का कोई भी एक बटन दबाना है। तो ये देखिए, ये एलईडी ब्लिंक होके बंद हो गई, मतलब ये रिमोट इसके साथ बाइंड हो चुका है। बट गाइज इसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अभी इसके साथ जो बटन हमने दबाया रिमोट का, वही बटन काम करेगा इसके साथ, ये ऊपर वाला बटन इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि गाइज हमें इसको भी इसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, ये तभी काम करेगा।
अभी गाइज मैं इस एक बटन से इस लाइट को चलाकर दिखाता हूँ। अभी मैं इसका जैसे ये बटन दबाऊंगा ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए अमेजिंग, ये ऑन हो रही है। और जैसे ही गाइज मैं इस बटन को दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए गाइज, ये देखिए, ये काम ही नहीं कर रहा। तो अभी गाइज हमें इस बटन को भी इस रिसीवर के साथ बाइंड करना पड़ेगा जिससे ये बटन भी काम करेगा। अभी देखिए ये नहीं कर रहा है। तो बाइंड करने के लिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी स्विच को एक बार दबाना है, पुश स्विच, जो ये वाइट कलर का एक पुश स्विच है इस रिसीवर में, इसको एक बार दबाना है। अभी ये LED ऑन हो चुकी है इसकी, ये देखिए। अभी हमें ये ऊपर वाला बटन दबाएंगे रिमोट का, ये देखिए LED ब्लिंक हुई, मतलब ये रिमोट हो चुका है इसके साथ बाइंड, दूसरा बटन रिमोट का। तो अभी गाइज मैं जैसे इस बटन को दबाऊंगा तो देखना ये लाइट ऑन होगी। ये देखिए, ये हमारा दोनों बटन अभी काम कर रहे हैं। वैसे गाइज मैं बता दूं कि ये रिमोट और रिसीवर वैसे इस काम के लिए नहीं बने हैं। अच्छा, इस पर मोटर वोटर चलाना या कोई लाइट वगैरह, ये बनेगा स्पेशल किसी डोर में लगाने के लिए, जैसे डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें लॉक अनलॉक का फंक्शन हो, उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल एक डोर बनाएंगे जिसको हम इस रिमोट से लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। अभी गाइज मैं आपको इस पर एक DC मोटर चलाकर दिखाता हूँ। तो अभी देखिए गाइज मैं आपको ये वाला एक 12 वोल्ट का DC पावरफुल गियर मोटर है ये चलाकर दिखाऊंगा। गाइज कनेक्शन वैसे ही सेम वैसे ही होंगे, इस मोटर का कोई भी एक वायर हम लेंगे और उसको इस 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है इसका नेगेटिव और इस रिसीवर का नेगेटिव, इन तीनों को और मोटर का नेगेटिव, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने पहले लाइट के साथ किया था। क्या बोला तूने? और अभी गए जो ये मोटर का एक वायर बच चुका है इसको हम इस वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। इस रिसीवर का जो ये वाला वायर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। अभी देखना गाइज मैं जैसे इस रिमोट का ये बटन दबाऊंगा तो ये मोटर चलेगी। ये देखिए, अभी मैं ये दूसरा वाला बटन दबाता हूं। ये देखिए हमारी मोटर चल रही है। तो गाइज हमारा ये रिमोट कंट्रोल बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। अभी गाइज अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये लगभग ये रिमोट जो है इस रिसीवर से मैक्सिमम 30 मीटर की डिस्टेंस तक काम करता है, इससे ज़्यादा ये काम नहीं करेगा। तो गाइज ये 30 मीटर से, और गाइज अगर हम इस एंटीना को इसको बड़ा कर दें, इसमें कोई और कॉपर वायर कनेक्ट कर दें तो इसकी रेंज को ज़्यादा किया जा सकता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को और चैनल को और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।